तो देखिए दोस्तों, हम बात करने वाले हैं उत्तराखंड में आउटसोर्स एजेंसी के द्वारा यहाँ पर जो है पदों की वैकेंसीज के रिगार्डिंग, जिसमें प्रवक्ता संवर्ग में 177 और अन्य पदों की सीधी भर्ती के माध्यम से भरे जाने के संबंध में। तो यहाँ पर देख सकते हैं कि बेरोजगार संघ ने इसके लिए आवाज़ उठा रखा है। कहा गया है कि यहाँ पर जो है सीएम जो धामी है उनको एक ज्ञापन दिया है। इसमें बताया गया कि तकनीकी शिक्षा विभाग अंतर्गत आउटसोर्स एजेंसी के बी एम इन प्राइवेट लिमिटेड जो आपका है देहरादून, यहाँ पर जो है 11 माह के अनुबंध पर ग्रेड बी के तहत जो है यहाँ पर प्रवक्ता संवर्ग में 177 और अन्य पदों की सीधी भर्ती के माध्यम से भरे जाने के संबंध में है। इसमें कहा गया है कि महोदय जो है विनम्र निवेदन है कि तकनीकी शिक्षा के अंतर्गत जो है पॉलिटेक्निक विद्यालयों में कई वर्ष से प्रवक्ता संवर्ग के पदों पर जो है स्थायी नियुक्ति नहीं हुई है और राजकीय पॉलिटेक्निक विद्यालय में जो है काम चलाव तहत जो है लंबे समय से समय समय पर बताया गया पठन पाठन जो है चलाया जा रहा है। इसमें 177 जो संविदा हैं मतलब कि प्रवक्ता हैं, इन पदों पर जो है यहाँ पर बताया गया है कि जो नियुक्तियां हैं उनका ठेका जो है एक भवन निर्माण कंपनी जो कि KBM करके इसको दिया है। सिर्फ 11 माह के अनुबंध के आधार पर बताया गया है और 11 माह के अनुबंध के आधार पर जो है ग्रेड बी के तहत आने वाली जो है प्रवक्ता संवर्ग के 177 पदों पर नियुक्ति ठेके के माध्यम से जो है करवाना शिक्षित बेरोजगार के भविष्य के को जो है अधर में लटकाने जैसा है, ऐसा भी कहा गया है। क्योंकि 177 पोस्ट प्रवक्ताओं की निकाली गई हैं आपकी पॉलिटेक्निक में, तो उन्हीं के संबंध में जो है बताया गया है कि खिलवाड़ किया गया है। और इसमें आता है आपसे विनम्र निवेदन है कि प्रशिक्षित बेरोजगारों के भविष्य को सुरक्षित रखते हुए तकनीकी छात्राओं के बेहतर पठन पाठन प्रक्रिया के लिए भवन निर्माण कंपनी जो कि KBM है उसको जो है 11 माह का अनुबंध पर जो है प्रवक्ता की नियुक्ति कराने पर जो है तत्काल रोक लगाई जाए एवं सभी जो पदों की भर्ती है सीधी भर्ती के माध्यम से भरा जाए। तो सीधी भर्ती के माध्यम से भरने की बात कही है 177 पदों पर जो अभी आपके आउटसोर्स के माध्यम से कराया जा रहा है, ठीक है। तो इस तरह का यहाँ बात किया गया है।